आम आदमी पार्टी ने सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। इसमें तमाम सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा रही हैं। इसमें जो मेन एक मुख्य सवाल है वो ये सवाल है कि जिनको यह लगता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मोदी के षड्यंत्र में नहीं फंसना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए और जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस पर जो है वो सिग्नेचर अभियान बाकायदा उनका नाम नंबर लेकर चलाया जा रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना है कि जिस शराब घोटाले के ऊपर में अरविंद केजरीवाल को सम्मन दिया गया है वो गलत संबंध है, वो राजनीति से प्रेरित है। मैं इस वक्त आतिशी जो मरलिन हैं जो कि मिनिस्टर हैं उनके इलाके में हूँ, अभी हम उनसे भी बात करते हैं चल के। अच्छा आतिशी जी, ये बताइए कि इसका क्या मकसद है? अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल से जो है वो सरकार चलाई हो किसी ने। देखिए, आज जो देश में हो रहा है वो शायद कभी भी नहीं हुआ है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसमें झूठे केस डाल के उसे जेल में डाल देती है। आज आप देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार के एक एक नेता, एक एक मंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में डाला जा रहा है। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया, सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया, संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया, कोई सबूत नहीं है। आज तक कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे पाए हैं लेकिन फिर भी नेताओं को अरेस्ट किए जा रहे हैं। दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहें और अरविंद केजरीवाल जेल से भी मुख्यमंत्री रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देख सकते हैं आतिशी जी सारे लोगों से मिल रही हैं, अभी भाई साहब से भी मुलाकात किया, क्या बातचीत हुई आपकी, क्या सर्वे का? जी, बातचीत में सिर्फ यही मुद्दा है कि जेल से उनको सरकार चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, लेकिन क्या है कि जेल से ही उन्हें सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो फिर किसी और को टारगेट करेंगे, फिर उसका इस्तीफा मांगेंगे, फिर चुनाव होंगे, घूम फिर के पब्लिक पे ही सारा प्रेशर आएगा, पब्लिक पे सारा खर्चा पड़ेगा। तो इससे बेटर यही है कि उनको जेल से ही सरकार चलानी। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गोविंदपुरी का इलाका है, यहाँ पर आप देखिए कि लगातार जो है वो आतिशी जो कि मंत्री हैं दिल्ली सरकार की, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। तमाम सारे जो नेता हैं वो उनके साथ में हैं, आम पब्लिक से वो मिल रही हैं, एक फॉर्म भरवाया जा रहा है और उसमें उनकी राय पूछी जा रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाएंगे तो वो जेल से सरकार चलाएंगे, इस तरीके की जो राय है वो लोगों से ली जा रही है। इसमें तमाम सारी महिलाएं हैं, आम लोग हैं, उनसे ये पूछा जा रहा है और ये हस्ताक्षर अभियान जो है वो अलग अलग इलाकों में दिल्ली के चलाया जा रहा है। अब इस हस्ताक्षर अभियान के बाद में जो एक देखना होगा कि कितने लोग जो है वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के भी कहीं ना कहीं निशाने पर आम आदमी पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस का कहना है कि जब मनीष सिसोदिया जेल गए थे तो उस वक्त क्यों नहीं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था, वो भी तो डिप्टी सीएम थे। निश्चित तौर पर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग सियासत होती है। आम आदमी पार्टी ने अब एक नया जो सियासी अभियान है वो इन तरह की दिल्ली की गलियों में चला रखा है। दिल्ली से मोहम्मद मुरसलीन के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।